हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो पहला T20 मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ यही है, जो वेस्ट इंडीज़ का प्लेइंग 11 और पाकिस्तान के प्लेइंग 11 बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने जो है नंबर आप कह सकते हैं वेस्ट इंडीज़ बी या वेस्ट इंडीज़ ए को भेजा है, क्योंकि जो स्टार बैट्समैन है वो खेलने नहीं आए हैं पाकिस्तान। हालांकि ये मैच जो है कराची में हो रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्लेइंग 11 लगभग कंफर्म सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा प्लेइंग 11 है। तो आप देख सकते हो ओपनिंग में एंड्रे फ्लेचर एंड वॉल्टन आएंगे, उसके बाद मार्लिन सैमुएल्स, जेसन मोहम्मद यहाँ पे कैप्टन है, दिनेश रामदीन, रोमन पॉल, केमो पॉल। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रायत इमरिट है, उसके बाद यहाँ पे ओडेन स्मिथ या केमोपोल में से कोई एक खेलेगा, उसके बाद यहाँ पे सैमुअल पत्री, क्रिक विलियम। ये हुआ वेस्ट इंडीज़ का प्लेइंग 11। ये प्लेइंग 11 मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है पाकिस्तान के सामने, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो फखर जमान, अहमद शहजाद, बाबर आजम, शोएब मलिक, सरफराज खान, आसिफ अलिया, हुसैन तलत में से कोई एक खेलेगा, तो आप इन दोनों में से किसी एक को ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आसिफ अली या हुसैन अली में से कोई एक खेलेगा तो हुसैन तलत ही खेलेगा, क्योंकि इनका जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, हसन अली एंड मोहम्मद अमी, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग एंड बॉलिंग लाइनअप है पाकिस्तान की। वहीं पर गेल, लुइस, ब्रैथवेट जो नारायण स्टार प्लेयर है वो खेलने नहीं आए हैं। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का टीम बनाया हूँ। मैं यहाँ पे सरफराज को ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ही वीक लग रही है। वहीं पे शायद दिनेश रामदीन को मौका ज़्यादा मिले, वहीं पर सरफराज को शायद मौका ना मिले बैटिंग को। तो फ्रेंड अब बात करते हैं बैट्समैन की। तो मैंने यहाँ पर शोएब मलिक, बाबर आजम, फखर जमान एंड आंद्रे फ्लेचर को लिया है, ठीक है। वहीं पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे अहमद शहजाद को ट्राई कर सकते हैं, क्रिक हॉल्टन को भी ट्राई कर सकते हैं, और जेसन मोहम्मद उतना अच्छे T20 प्लेयर नहीं है, चाहें तो आप ले सकते हैं एज ए ग्रैंड लीग में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑलराउंडर पे आपके पास जो है मानव सैमी और फहीम अशरफ, रोमन पॉवल, ये तीनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, और रोमन पॉवल एक बहुत ही की प्लेयर है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। उसके बाद हम बात करते हैं बॉलर्स के। तो बॉलर्स पे यहाँ पे हसन अली, सादाब खान और रायन इमरिट को मैंने लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे सैमुअल बद्री को ले सकते हैं, कैमोपोल पे रिक्स ले सकते हैं, वहीं पे मोहम्मद अमीर भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे आपके लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैप्टन जो है बाबर आजम को लिया है, वाइस कैप्टन जो है फखर जमान को लिया है, क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइनअप को देखें तो थोड़ा वीक है। हालांकि क्रिक विलियम और इमरिट एक बहुत ही अच्छे बॉलर है, तो आप इमरिट को ज़्यादा कैप्टन या वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ले सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी खासी बॉलिंग भी करते हैं और अगर बैटिंग का मौका मिले बैटिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने CPL में देखा था। वहीं पे इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे शोएब मलिक को भी ट्राई कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है रोमन पॉवल आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे ग्रैंड लीग में। तो फ्रेंड हसन अली तो ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छे चॉइस रहेंगे, लेकिन हसन अली कुछ दिनों से जो है बहुत ही इतना अच्छा परफॉर्म ये नहीं कर पा रहे हैं जो कि इसे पहले इन्होंने दिया था। तो फ्रेंड होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।